आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक पस्तीर्थी की कहानी सुनाती हूँ, जो लास्ट के कातक में माताएं बहनाएं 5 दिन का भोजन करती हैं, एक टाइम खाना खाती हैं, ये उसकी कहानी है। कहानी इस तरह है, एक ननद और एक भौजाई थी। आसपास की सारी बहना कातक का स्नान करती। उसकी ननद ने कहा कि भाभी मैं भी कातक का स्नान करूंगी। वो कातक का स्नान करने लगी। रोजिना कहती भाभी आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को ये दान करना है। उसकी भाभी अच्छी नहीं थी, वो कहने लगी कि इसकी शादी तो नहीं कर देते हैं, ये रोजिना इतना खर्चा करवाती है और पता नहीं ये सबके साथ में डोलती रहती है। उसका भाई ने जल्दी जल्दी लड़का ढूंढ के उसकी शादी कर दी। जल्दी में लड़का देखा था तो घर अच्छा नहीं मिला, बहुत ही गरीब घर मिल गया उसको। अब बहन की वजह से वो परेशान रहने लग गया। भाई ने एक दिन सोचा कि क्यों नहीं मैं पूरे साल भर का सारा सामान बहन के घर डाली आता हूँ। वो गाड़ी में सारा सामान रखने लग गया। उसकी लुगाई कहती है कि ये सामान कहाँ लेके जा रहे हो। उसका आदमी कहता है तेरे को पता नहीं है क्या, तेरे पीर में आग लग गई, उनके सारा घर जल के राख हो गया, उनके घर में कुछ भी नहीं रहा, खाने के लिए नाज भी नहीं रहा। उसकी लुगाई सोचती है, राजी राजी गेहूं की बोरी रखवा देती है, चावल की बोरी रखवा देती है, चीनी की बोरी रखवा देती है, बर्तन बांडा करने खाने का सारा सामान गाड़ी में रखवा देती है, चालना छाली सारी कुछ जो भी घर में सामान रहता है वो सारा सामान गाड़ी में रखवा देती है और जाते दफे उसके लड़का को गाड़ी में बिठा देती है। बेटा जा नानी से मिल आना। आगे जाके उसके भाई है जो बहन के रास्ता में मुड़ता है तो उसका बेटा कहता है कि पिताजी ये रास्ता तो नानी के नहीं जा रहा, ये रास्ता तो बुआ के जा रहा है, धोती बुआ के। उसके पिताजी उसको धमका के बैठा देते हैं। वो बुआ के घर जाके, बहन के घर जाके वो अनाज को सारी चीजों को वहां पे डाल आते हैं। आके घर आके उसकी माँ छोरा से पूछती है कि बेटा नानी कैसे हैं और सब ठीक तो है ना। बेटा कहता है माँ नानी के नहीं गया, पिताजी तो दोधी बुआ के गए थे। उसी टाइम से उसके तो सिर में दर्द हो गया और खटा पाटी लेके पड़ गई। उसका आदमी बाहर काम पे से आया था, माथा बांध के पड़ी थी। वो बोला करे भगवान आज क्या बात है, माथा बांध के कैसे पड़ी है। तो वो कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसका आदमी कहता है तबीयत सही नहीं है तो डॉक्टर को बुला के लाऊं। उसकी लुगाई कहती है डॉक्टर की बीमारी नहीं है। उसका आदमी ने कहा तो क्या बीमारी है, करे आपकी बहन को मूड मुंडा के काला मुंह करके गधा पे बिठा के जूतान की माला पहरा के यहाँ लेके आवे तब मेरी बीमारी दूर होगी। उसका आदमी बोला करे बस इतनी सी बात है, मेरी बहन तो बहुत सीधी साधी है, भोली है, वो आ जाएगी, मैं अभी जाता हूँ, वो चल देता है। बहन के तो जाता नहीं है, वो अपने ससुराल में जाके बैठ जाता है, किसी से भी ढंग से नहीं बोलता, उन मना से बैठ जाता है। सब सोचने लग गए आज कंवर साहब जी इतने उदास कैसे बैठे हैं। उसकी सास आई, सास ने कहा कि आज जवाई जी क्या बात है, आप इतने उदास कैसे बैठे हो। जवाई जी कहता है कि सासू जी आप पूछो मत, करे आपकी बेटी की बहुत तबीयत खराब है। उसकी माँ ने कहा क्या हो गया, तो उसकी वो कहता है कि साहब डॉक्टर को मैंने दिखा दिया, डॉक्टर की उनके कोई बीमारी नहीं है, और सबने ये बड़े बड़े पंडितन से पूछी तो उसने ये कहा कि उसकी माँ को मूंड मुंडा के काला मुंह करके और गधा पे बिठा के जूतान की माला पहरा के लेके आए तो इसकी तबीयत सही होए। माँ ने सोचा मूंड मुंडा लेती हूँ बाल तो और भी आ जाएगा, मेरी बेटी चली जाएगी तो कहाँ से आएगी। उसने मुंड मुंडा के काला मुंह करके भाई सा मुंडो भी साबुन से धुल जाएगा और मेरी बेटी कहाँ से आएगी,
कंधा पे बैठ जाती है, जूतन की माला फेर के घूंघटों गाड़ के बैठ जाती है, आपके बेटी के पास आ जाती है। बेटी जल्दी सी खाट में से उठ के, उसका बच्चा कहता है कि माँ बुआ आ गई, जल्दी सी खड़ी होके और जूती हाथ में, चालना हाथ में लेके और उसके माथा में देती है कि या गेहूं की बोरी भी दादा बुआ के माथा में, या ना इसकी चीनी की बोरी भी दादा बुआ के माथा में, ये बर्तन भी दादा बुआ के माथा में, कपड़ा लत्ता सारे इसके दादा बुआ के माथा में। उसकी माँ कहती है ओ ये बेटी ओ माँ तेरी छूं, वो कहती है माँ आप, उसका भाई कहता है कर तो मेरी बहन मिली थी का, मुंड मुंडाया मुंह काला देख मरद का चाला, बहन तेरी बहन मेरी माँ तेरी, तेरे को मेरी बहन मिली थी क्या, हे भगवान पच भीखू परमेश्वरा। उसका भाई ने बहन को जितना चाहा, ये उसने भाई ने बहन के लिए किया ऐसे सब कुछ, सब कोई भाई ऐसे रहना, ये पश्चिम भिखू की कहानी है।